भाई आपको हमारे हालात पता हैं, हमारे साथ क्या हुआ, इतना खर्चा हो गया, हमारी जिंदगी कलरलेस हो गई थी। आप गिफ्ट ले आते कोई हमारे लिए। बड़ा बदमाश है। अच्छी बात है। इतने सोने लग रहे हैं। सोनी में, सोनी में और सोना हो गया। तो भाई कुछ कैश वैश इससे ले आते, मतलब ईद है, ईदी ईदी ले आते हमारे लिए। एक फिल्म ऑफर लाया हूँ आपके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? रियली? कितनी हीरोइन है टोटल उसमें? तीन आ रही है। तीन तीन हीरोइन। एक तो आपकी होगी, एक मेरी होगी, तीसरी किसके लिए? तीनों ही मेरी हैं। मेरा मतलब बीच में क्या रोल है? विलेन का रोल है। चलो विलेन के लिए आइटम डांस तो एक आध होगा ही। है, लेकिन वो आप नहीं करोगे, किसी और से करवाएंगे। नहीं, विलेन तो आप खुद करेगा भी नहीं, कोई लड़की करेगी ना आगे। लड़के से करवाएंगे। सारी एड्रेस या मिनी कुछ भाई प्लीज बना के। बी ह्यूमन, आप ऐसा करोगे हमारे साथ? मतलब यहाँ पर आप क्या करते हो? हमारा तो बजट कम होता है ना। सेम तो यहाँ पे चल रहा है, आदमियों को औरतों के कपड़े पहना पहना के औरत बना रहे हैं। उनके बच्चे भी स्कूल में जाकर कहते हैं हमारी दो दो माएं, ये घर पे है किधर बनती है। आपको पता है सलमान भाई जब शर्ट उतारते हैं लड़कियां वैसे पागल हो जाती हैं। अच्छा इनकी बॉडी है, ये उतार भी सकते हैं। ये पांडे नहीं हमारा ड्रम वाला भाजी? अच्छा एक दिन इसने शर्ट उतारी, पता नहीं चला ड्रम कौन है पांडे कौन है। पर अच्छा इस फिल्म में तो भाई आपने पैंट भी मतलब उतारी दी, तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि फीमेल फैंस की? डिमांड तो स्क्रिप्ट की ही थी। अच्छा, और आई थिंक फीमेल फैंस से ज्यादा मेल फैंस इसको अप्रिशिएट ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा। सलमान यू लुकिंग सुपर्ब इन अ लंगोट। बाय का लग रहा लंगोट का। और आपके तुम क्या हो गया गए तुमको यार? अच्छे भले तो थे भाई। उल्टा जमाना आ गया। सलमान भाई ने पिछले समय हमें बताया था कि एक बार इन्होंने फॉरेन कहीं शो करने गए तो ये शॉर्ट्स में एंट्री ले गए थे, तो सलीम साहब ने बहुत डांटा इनके पिताजी ने। तो वहां पर किसी ने कह दिया था कि मैं अंडरवेयर में डांस कर रहा हूँ। और ये जो जो स्टेप था ना, ये वाला ये जीने के चार दिन वाला, वही स्टेप था। अच्छा, तो वहां से पता नहीं किसने डैड को फोन करके बोल दिया वल्गर 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 वल्गर, तो बहुत भड़के थे। अब खुश है तो अभी पूरा लंगोट मतलब पहन के सारी फिल्म करी? अभी नहीं कुछ कहा उन्होंने? नहीं नहीं बोला कि आप अपनी पैंट उतारो, देखो कि प्रोड्यूसर के पैंट कभी उतरे नहीं। अच्छी बात है। अरे सलमान भाई ने जो फिल्म में लंगोट पहना, मैं कोई आम लंगोट नहीं है, मतलब वो डिजाइनर लंगोट है। मैं ऐसे क्यूरियोसिटी थी भाई कि जैसे आपकी फिल्मों में लंगोट में एक चोर पॉकेट भी है। मैं पहलवान से कौन क्या चोरी करके लेके आ गया। तो नहीं भाई उसमें भी कोई होता है आपकी टीम की तरफ से कि सलमान का लंगोट है, इट शुड लुक लाइक क्लासी, गोटे जरी का काम हो? किसके करे जरी गोटे का काम? ऐसे पूछ रहा हूँ भाई कि क्या होता है ऐसे कि नहीं? मतलब अच्छा आपको पता है जब भी जैसे सलमान खान सेट पे होते हैं तो भाग भाग के आते हैं डिजाइनर्स, सर ये कैन वी प्लीज ट्राई दिस जैकेट, जैकेट ट्राई कराते हैं, ये खाली ऐसे बाजू डालते हैं, अच्छी है टाइट खोल दो, इसको खोल दो टाइट है या जो भी है, तो भाई लंगोट जो होता है वो मतलब वो तो आप मतलब खुद ही ट्राई खुद ट्राई करना पड़ता है। और फिटिंग को भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है भाई, ये इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ से लूज है, यहाँ से थोड़ी सी टाइट है। अच्छा एक्चुअली हाँ, ये छोटी सी कर दो या इसको थोड़ी बड़ी कर दो, वो आपके ऊपर चॉइस है। पर हाँ एक्चुअली जैकेट से तो आप बता सकते हो ना कि यहाँ से टाइट है, यहाँ से खोल दो, यहाँ से लूज है, यहाँ से। लंगोट का क्या आप डिस्क्रिप्शन दोगे?
अच्छा सलमान भाई, आपकी फिल्म में एक डायलॉग है कि लड़की इंग्लिश बोलने से जल्दी पट जाती है, आई लव यू बोलो और नेक्स्ट टाइम किस, तो ये मतलब ये डायलॉग आपको दिया गया था कि आपका निजी तजुर्बा है? सोचने दो यार, बहुत टाइम हो गया। जब आपको पता है हम लोग पर्दे पे जब फिल्म देख के एंजॉय करते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। इतने सालों से सलमान भाई बॉक्स ऑफिस पे राज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुल्तान में इन्होंने 40s का दिखने के लिए वजन बढ़ाया, उसके बाद 20s का दिखाना है, उसके बाद फिर घटाया। ये दो बार करना पड़ा। अच्छा। एक बार बढ़ा लिया तो फिर वो रुकने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से घटाया, फिर उसके 15 दिन बाद बोलते हैं कि वापस से बढ़ा लो। क्रेजी पीपल। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुनिया में सबसे आसान काम है वजन बढ़ाना बढ़ाना, और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है वजन घटाना। मेरे से ज्यादा कौन जानता है? मेरा हुई नहीं रहा। I remember when I was doing, मैंने प्यार किया, I used to have 30 रोटीज, राजमा, चिकन, फिश एंड केले और पता नहीं क्या क्या। अब एक रोटी को स्मेल कर लेता हूँ तो 4 किलो वेट। मेटाबॉलिज्म बड़ा फर्क पड़ता है। ट्रू। तो इस फिल्म के दौरान पहले बढ़ाया, फिर कम किया, फिर बढ़ाया, तो लंगोट सेम ही था कि उसके भी साइज? नहीं सर, लार्ज से डबल एक्सएल तक चला गया था।